नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल बोटनी वाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे कि फीमेल जो गेमेटोफाइट है उसके प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक, यानी एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट है वो कितने प्रकार के होते हैं, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपना मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर अपने पढ़ा था कि मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। उनमें से क्या होता है, तीन तो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, और एक क्या रहता है अपना, फंक्शनल रहता है। यानी मान लीजिए ये क्या हो गए, तीन डीजेनरेट हो गए और ये कि एक ये क्या बता अपना, फंक्शनल बचा। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपने क्या बोला था वहां पे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला था। ठीक है, तो इसी के आधार पर आज अपन पढ़ेंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट है उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी मेगास्पोर टेट्राड में से कितने मेगास्पोर है वो क्या होंगे, फंक्शनल है, और वो आपस में किसका निर्माण करेंगे, एम्ब्रियोसोप का निर्माण करेंगे। कुछ जो मेगास्पोर टेट्राड है उनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक बोलेंगे। और कुछ के अंदर क्या होगा, दो जो मेगास्पोर है वो क्या होते हैं, फंक्शनल रहते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, बायस्पोरिक बोलेंगे। और कुछ के अंदर क्या होता है, चारों जो मेगास्पोर बने थे वो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, उसे वो आपस में किसका निर्माण करेंगे, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो इस आधार पर अपन ने इन्हें मेनली तीन भागों पर बांटा है। पहला हो गया मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, और तीसरा हो गया अपना टेट्रास्पोरिक। पहले की अपन बात करें मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक जो है फीमेल गेमेटोफाइट का, इसके अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियोसेक है उसका निर्माण, जो मेगास्पोर जो टेट्राड था उसमें से केवल एक जो फंक्शनल जो बचा था अपना मेगास्पोर, उससे क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का निर्माण हुआ होगा। ये क्या होता है, मोनोस्पोरिक जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होगा पॉलीगोनम टाइप का, और दूसरा होगा ओइनोथेरा प्रकार का। ठीक है, पहले की अपन बात करें तो पहले के अंदर क्या हो गया, मान लीजिए क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर जो भी प्रोसेस है वो उसको अपने बताया है कि ये क्या है, हमारी एक मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, जो कि क्या होती है, डिप्लोइड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या बन गई, दो सेल बन गई, और इसके अंदर वापस क्या होगा, एक मियोसिस सेकंड और होगा इस डायड के अंदर, तो जिससे क्या बन जाएंगे, चार अपने मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने चार मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण हो गया, एक दो तीन चार। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, पॉलीगोनम के अंदर क्या होगा, तीन तो क्या हो जाएंगे अपने, जो माइक्रोपाइल वाले जो भाग है उस तरफ क्या हो जाएंगे, हाँ तीन क्या हो जाएंगे, माइक्रोपाइल वाले जो भाग है वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो चलाजा वाला जो भाग है वो क्या होगा, चलाजा वाला भाग की तरफ जो मेगास्पोर बचा है वो क्या होगा अपना, फंक्शनल या क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहेगा। ठीक है, ये क्या है, चलाजा वाला भाग है, इस तरफ क्या था अपना, मेगास्पोर था, वो क्या है, फंक्शनल है। अब इसके अंदर क्या होगा अपना, माइटोसिस होगा। ठीक है, यहां पे तो क्या हुआ, मियोसिस हुआ,
अब इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, जिससे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। अब ये क्या है, अपना एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो पहले क्या होगा, एक से दो बनेंगे, ठीक है, दो से क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, ठीक है, फिर एक और होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसे क्या बन जाएंगे, आठ न्यूक्लियर की कंडीशन पाई जाएगी, यानी आठ न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और आठ न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा तो उनमें से क्या हो जाएगा, 200 किसका निर्माण करेगी, दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगी, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो उसका निर्माण होगा, और तीन जो न्यूक्लियस है वो किसका निर्माण करेगी, एक प्रेटस का निर्माण हो करेगा, और तीन जो है क्या होगा, एंटीपोडल सेल का निर्माण करेगा, यानी इन जो आठ न्यूक्लियस है इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी, तीन सेल एंटीपोडल की बन जाएगी और तीन सेल किसकी बन जाएगी, एक प्रेटस की बन जाएगी, और दो अपने जो न्यूक्लियस बचे वो किसका निर्माण करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या हो गया, अपना पॉलीगोनम जो टाइप है उसके अंदर ये प्रोसेस पाई जाएगी, ठीक है। हुआ क्या था, इसके अंदर क्या है, जो मेनली क्या है, जो माइक्रोपाइल वाले भाग है उस तरफ जो तीन मेगास्पोर है वो तो क्या हो जाएंगे, डिजनेट हो जाएंगे, और जो चलाजा वाले जो भाग है उसकी तरफ जो एक फंक्शन जो मेगास्पोर है वो किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो सेक का या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एंटीपोडल सेल भी होगी, एग अप्रेटस भी होगा, और पोलर न्यूक्लियाई भी पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपना है मोनोस्पोरी का दूसरा प्रकार है, ओइनोथेरा प्रकार, ठीक है। इसके अंदर वही है, ये क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक डाइड का निर्माण हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, दो कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक है। इनमें से चलाजा वाले भाग है दो कोशिकाओं में, फिर क्या होगा, एक मियोसिस होगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब मेगास्पोर टेट्राड में से क्या होगा, जो चलाजा वाला जो भाग है उस तरफ तीन जो मेगास्पोर है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और जो माइक्रोपाइल वाला जो एक मेगास्पोर बचा है वो क्या रहेगा, अपना फंक्शनल रहेगा या क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहेगा। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा तो क्या बनाएगा, अपना एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये अपना कौन सा है, माइक्रोपाइल वाला जो भाग है उस तरफ जो बचा था एक मेगास्पोर वो है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, जिससे एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर क्या होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड के अंदर क्या होगा, दो से चार बने, अब चार बने, ठीक है, चार बन गए। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो एक अप्रेटस बन जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, तीन छेल होगी, और एक किसका निर्माण करेगा, यूनिन्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर का निर्माण करेगा, ठीक है। यूनिन्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, यूनिन्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, अपना एक पहला जो मोनोस्पोरिक है वो प्रकार अपना पूरा हो गया। इसके अंदर इसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, पहला हो गया पॉलीगोनम, दूसरा हो गया ओइनोथेरा। पॉलीगोनम के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड में से जो चलाजा वाला भाग की तरफ जो मेगास्पोर है वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, और जो ओइनोथेरा है इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोपाइल वाला भाग है उसकी तरफ क्या रहेगा, मेगास्पोर वो टेट्राड में से क्या होगा, माइक्रोपाइल वाला जो भाग है उसकी तरफ क्या रहेगा, एक जो मेगास्पोर है वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, और इसके अंदर क्या होगा,
एक प्रेस्टेज का निर्माण होगा लेकिन एंटीपोडल का निर्माण, एंटीपोडल जो सेल है उसका निर्माण नहीं होगा, और जो पोलर न्यूक्लिया है वो क्या होगी, यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन में पाई जाएगी। उसके बाद अपना है दो नंबर है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक के अंदर क्या होगा, जो मेगास्पोर जो टेट्राड है, मेगास्पोर टेट्राड बना था अपना, उसमें से क्या होंगे, 200 दो तो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और दो क्या रहेंगे अपने, फंक्शनल रहेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेंगे, यानी दो जो फंक्शनल है वो किसका निर्माण करेंगे अपना, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण करेंगे, ठीक है। बाइस्पोरिक क्या होता है, दो प्रकार का होगा, पहला तो हो गया एलियम हो गया, और दूसरा क्या हो गया अपना, एंडाइमियन, ठीक है, एंडाइमियन। और पहले के अंदर देखें तो इसके इसके अंदर क्या होगा, जो अपने ये है, ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल MMC, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, डाइट का निर्माण हो जाएगा, और फिर इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड और होगा, जिससे क्या हो जाएगा, चार में जिससे क्या हो जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाएगा। और इनमें से क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड में से क्या होगा, जो माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ जो क्या है, दो डाइड है वो क्या हो जाएगी, डिजनेट हो जाएगी, और जो चलाजा वाले भाग की तरफ क्या है, दो क्या है वो रहेगी, फंक्शनल रहेगी, ठीक है। और इनसे क्या होगा अपना, एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दो क्या रही, फंक्शनल रही, और दो क्या हो गई, डिजनरेट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, दो ये क्या रही, एक तो ये रही और ये क्या रही, दो क्या हो गई अपनी, फंक्शनल है। और अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, जिससे क्या बन जाएगा, चार न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एट न्यूक्लिएट की कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो जिससे क्या होगा, तीन तो एंडोपोडल सेल का निर्माण हो जाएगा, और तीन किसका निर्माण होगा, एक अपरेटस का निर्माण हो जाएगा, और दो जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर पाए जाएंगे, पोलर न्यूक्लिया के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी, एक अपरेटस, ठीक है, और ये क्या है अपना, एंटीपोडल सेल है, ठीक है, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इस प्रकार अपना क्या हो गया, एक एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण बाइस्पोरिक से हो गया। और इसके अंदर क्या होगा, जो फंक्शनल जो न्यूक्लियर जो फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो किस तरफ होंगे, मेगास्पोर टेट्राइड में से चलाजा वाला जो भाग है उस तरफ क्या होंगे, दो फंक्शनल होंगे, ठीक है। और इसके बाद है एंडाइमियन, इसके अंदर क्या होगा, वही कंडीशन है, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, ये है MMC मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे क्या होगा, मेगास्पोर डायड का निर्माण होगा, इसके अंदर फिर वापस क्या होगा, एक मेगा स्पोर डायड के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाएगा। इस बार कंडीशन क्या होगी, इसकी विपरीत होगी, जिससे क्या होगा, चलाजा वाले भाग की तरफ जो डायड है वो तो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, और जो माइक्रोपाइल वाले जो भाग की तरफ डायड है वो क्या रहेंगे, फंक्शनल रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वापिस ये क्या है अपने, दो डायड है वो क्या रहे, फंक्शनल रहे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, जिससे क्या हो जाएंगे, चार न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, और फिर वापस इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस सेकंड होगा, जिससे क्या हो जाएगा, आठ न्यूक्लियस का निर्माण होगा, और फिर क्या होगा, इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या बन जाएगी, तीन तो एंटीपोडल सेल बन जाएगी, और तीन क्या बन जाएगी, एक अपरेटस से, एक अपरेटस का निर्माण हो जाएगा। और ये क्या है अपनी, पोलर न्यूक्लियाई है, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, दो, ठीक है। इस प्रकार अपने क्या होंगे,
आठ जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, अरेंज होंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, एम्ब्रियो से क्या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके दो प्रकार है बायस्पोरिक के, एलियम और एंडाइमिक। टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक जो है वो क्या होता है, दो प्रकार का होगा। एक तो क्या होगा, नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर है उनका क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा। और इनके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो क्या होगा, मेनली पांच प्रकार का होगा। पहला हो गया एडोक्सा, दूसरा हो गया पीनिया, तीसरा हो गया प्लम्बेगो और चौथा हो गया पिप्रोमिया और पांचवा हो गया ड्रूसा। ठीक है, पहला अपन देखें तो पहले के अंदर क्या होगा, एडोक्सा टाइप है अपना। पहले के अंदर ये क्या है अपनी, मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर वही मियोसिस हुआ, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चारों जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गए, साइटोप्लाज्म में तैरते रहेंगे। ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले बायस्पोरिक और मोनोस्पोरिक में क्या था अपना, वो टेट्रास मेगास्पोर टेट्राहेड का निर्माण हो रहा था, तो उसके मध्य क्या था, सेल वॉल का निर्माण हुआ था, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गए, जो चारों जो न्यूक्लियस है वो क्या है, फ्री रूप से पाए जा रहे हैं। तो अब इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, तो जिससे क्या हो जाएंगे, चार से आठ न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब आठ के अंदर क्या होगा, तीन तो एंटीपोडल सेल का निर्माण करेंगे और तीन किसका निर्माण करेंगे, एक अपरेटस का निर्माण करेंगे और दो न्यूक्लियस किसका निर्माण करेंगे, पोलर जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे और साथ इसके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगी, एंटीपोडल और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई और ये क्या है, एग अपरेटस। ठीक है, एग अपरेटस के अंदर क्या होगा, एक तो एक सेल होगी और दो क्या होगी, सिनर्जेट सेल होगी। ठीक है, सिनर्जेट सेल का काम क्या होता है, ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब को प्रवेश करने के समय इनको मार्ग प्रदान करने का या डायरेक्शन देने का काम कौन करेगी, जो सिनर्जेट सेल है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना दो नंबर है पीनिया टाइप। पीनिया टाइप के अंदर क्या होगा, वही है मेगास्पोर मदर सेल और इसके अंदर क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा, जिससे दो सेल का निर्माण होगा, दो न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, दो से फिर क्या होगा, चार बनेंगे और चारों ये क्या हो जाएंगे, परिधि के ऊपर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे, ये चारों क्या होंगे, परिधि के ऊपर, एक तो हो गया माइक्रोपाइल भाग की तरफ और एक क्या हो गया, सलाजा भाग की तरफ, और एक एक कहां हो गया, लेटरल रूप से क्या होंगे, अरेंज हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा और जिससे क्या बन जाएंगे, चार से कितने बन गए, आठ बन गए, और इसके बाद क्या होगा, माइटोसिस सेकंड होगा जिससे क्या होगा, आठ से सोलह बन गए, सोलह बन गए, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, चार चार के चार ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया सलाजा बाग की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है अपना सलाजा बाग और नीचे क्या है माइक्रो पाइल वाला बाग। ठीक है, एक सलाजा बाग की तरफ बन गया, एक कहां पे बन गया माइक्रो पाइल की तरफ, और दो कहां पे बन गए, लेटर जो सतह है उसके ऊपर बन गए। अब इनमें से क्या होगा, एक 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 तो क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे और बाकी बच्चे कितने, तीन तीन के ग्रुप बच्चे, जिनमें से क्या हो जाएगा, एक तो सलाजा वाले भाग की तरफ जो तीन कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो किसका निर्माण कर लेगा, एंटीपोडल सेल का निर्माण कर लेगा, और माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ जो तीन
कोशिकाओं का या सेल का जो ग्रुप पाया जाता है वो किसका निर्माण कर लेगा, एक अपरेटस का निर्माण करेगा। और तीन तीन के ग्रुप कहाँ पे पाए जाएंगे, लेटरल रूप से पाए जाएंगे। और जो अपना पोलर जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर क्या कंडीशन पाई जाएगी, 4n कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है, 4n कंडीशन पाई जाएंगी, क्योंकि एक एक जो न्यूक्लियस है चारों ग्रुपों से यहाँ आ गए, ठीक है। और किसका निर्माण हो गया, पोलर न्यूक्लियाई का। यहां पे पोलर न्यूक्लियाई क्या है, 4n, ठीक है, टेट्राप्लोइडी। अब तीसरा है प्लम्बेगो। प्लम्बेगो के अंदर क्या होगा, वही मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से एक डायड बना, डायड में से क्या बन गए, चार बन गए। और इनमें क्या होगा, ये पेरिफेरल हो गए, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस से फर्स्ट हो गया। अब माइटोसिस फर्स्ट हो गया तो जिससे क्या बन गई, चार से कितनी बन गई, आठ कोशिकाएं बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट ही पाया जाएगा, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, एक जो सेल है वो कहां पे बन जाएगी, चलाजा वाले भाग की तरफ अरेंज हो जाएगी, एक माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ अरेंज हो जाएगी, और एक के कहां पे हो जाएगी, लेटरल रूप से अरेंज हो जाएगी। और जो पोलर जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे या न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, 4 पाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई की जो कंडीशन है वो क्या हो गई, 4n हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, 4n हो गई, जो किसकी है, पोलर न्यूक्लियाई की, ठीक है। इसके बाद अपना है चार नंबर पिप्रोमिया। इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस में दो से चार बने, चार के अंदर क्या होगा, ये लेटरल रूप से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट होगा जिससे क्या बन जाएंगे, चार से आठ को आठ न्यूक्लियस बन जाएंगे। और आठ के अंदर क्या होगा, वापिस एक माइटोसिस सेकेंड होगा जिससे क्या बन जाएंगे, 16 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। अब 16 के अंदर क्या होगा, जो माइक्रोपाइल वाला जो भाग है उस तरफ क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगी, एक सेल हो जाएगी, एक सेल क्या कितनी पाई जाएगी, यहां पे एक सेल एक होगी, और एक क्या हो जाएगी, सिनर्जिड सेल पाई जाएगी। ये क्या है अपना, एक अपरेटस है, एक अपरेटस के अंदर क्या पाई जाएगी, ये क्या है, एक अपरेटस ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी, एक तो एक सेल पाई जाएगी और एक क्या पाई जाएगी, सिनर्जिड सेल पाई जाएगी। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, पोलर जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर क्या पाई जाएगी, 8n की कंडीशन पाई जाएगी। यानी पोलर न्यूक्लियाई के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, आठ, कितने हो गए, आठ ही हो गए, और ये क्या हो गए, दो दस बच्चे कितने अपने, छह। और क्या हो जाएंगे, ये छह जो है किसका निर्माण करेंगे, पेरिफेरल न्यूक्लियस से कितने पाए जाएंगे, छह पाए जाएंगे, ठीक है, छह हो गए, छह पेरिफेरल हो गए, आठ किसके अंदर हो गए, पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, और दो किसके अंदर हो गए, एक अपरेटस के अंदर हो गए, ठीक है। तो इसके बाद अपना लास्ट है इसका नॉन न्यूक्लियर का ड्रूसा। इसके अंदर क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड हुआ। इसके अंदर क्या होगा, एक तरफ क्या हो जाएंगे, तीन कोशिकाओं का ग्रुप बन जाएगा, और एक तरफ क्या रहेगी, एक सेल रहेगी, ओनली वन सेल, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा जिससे क्या बन जाएगी, तीन से छह बन जाएगी, और एक से कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी, ठीक है। और अब माइटोसिस सेकेंड होगा, यहां पे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है,
सेकेंड हो रहा है, 6 से 12 बन जाएगी, 2 से 4 बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एंटीपोडल वाला जो भाग है उसके अंदर कितनी सेल बन जाएगी, 11 सेल बन जाएगी, और दो किसके अंदर पाए जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और एक एक अपरेटस के, एक जो अपरेटस है उसके अंदर कितनी सेल पाई जाएगी, 3 सेल पाई जाएगी, यानी 3 न्यूक्लियस भी पाए जाएंगे। कितने हो गए, 11 2 13, 13 और 3 16 हो गए। तो इस प्रकार अपना क्या हो गया, अपना टेट्रास्पोरिक का पहला प्रकार हो गया, नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। इसके क्या है, 5 प्रकार है। पहला है एडोक्सा, दूसरा है पीनिया, तीसरा है प्लम्बेगो, चौथा है पिप्रोमिया और पांचवा है ड्रूसा। ठीक, टेट्रास्पोरिक का दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके दो प्रकार है, फर्टिलेरिया और दूसरा है प्लम्बेगेला। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पहला तो था अपना नॉन न्यूक्लियर, इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं हो रहा था, और इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, दो प्रकार है, फर्टिलेरिया और प्लम बेगेला। ठीक है, या प्लम बेजिला। इसके अंदर पहले ये क्या है, अपनी फर्टिलेरिया देख रहे हैं, एक नंबर है इसका और दो नंबर है प्लम बेगेला। पहला है इसके अंदर क्या है, ये क्या है अपनी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड होगा, जिससे क्या होगा, चार अपने क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, किसके अंदर, मेगास्पोर के अंदर। ठीक है, यानी टेट्रास्पोरिक कंडीशन पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वॉल का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो चारों जो न्यूक्लियस है किसके अंदर पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरफ आ जाएगा, माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ, और तीन जो है कहां पे चले जाएंगे, चलाजा वाले भाग की तरफ। ये क्या है अपना चलाजा भाग, और ये क्या है अपना माइक्रोपाइल भाग। ठीक है, अब क्या होगा, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा। ठीक है, अब फ्यूजन होगा किस तरफ वाले, ये जो चलाजा वाले भाग की तरफ जो तीन न्यूक्लियस है आपस में फ्यूजन कर लेंगे। ये तीन है, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, तो क्या बन गई, एक एक न्यूक्लियस का निर्माण हो गया, और क्या हो गया, एक त्रिगुणित का निर्माण हो गया। ठीक है, और ये क्या है, हैप्लोइड है, और ये क्या है, ट्रिप्लोइड है। चलाजा वाले भाग की तरफ वाला क्या है, ट्रिप्लोइड है, ये क्या है, हैप्लोइड है। माइक्रोवाइल फाइल वाला जो भाग है वो क्या है, हैप्लोइड। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, तो जिससे क्या बन जाएगा, चलाजा वाले भाग की तरफ दो और माइक्रोपाइल भाग की तरफ फिर दो। चलाजा वाला भाग वाला जो न्यूक्लियस है वो क्या अपना ट्रिप्लोइड है, और जो माइक्रोपाइल वाला जो भाग की तरफ जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हैप्लोइड है। ठीक है, अब इसके अंदर माइटोसिस सेकंड भी होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, चार चार न्यूक्लियस और बन जाएंगे, चार किसकी तरफ, चलाजा की तरफ, और चार किसकी तरफ, माइक्रोपाइल भाग की तरफ बन जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, तीन सेल आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेगी, चलाजा वाले भाग की तरफ किसका निर्माण कर लेगी, एंटीपोडल सेल का निर्माण कर लेगी, और तीन किसका निर्माण कर लेगी, एक अपरेटस का निर्माण कर लेगी। एक सेल एक अपरेटस से और एक सेल एंटीपोडल सेल से बीच में आ जाएगी, और किसका निर्माण करेगी, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करेगी। और पोलर न्यूक्लियाई अपना होगा कैसा, 4N होगा। अब होगा कैसे, क्योंकि अपन ने पहले ही बताया था कि चलाजा वाले भाग की तरफ जो सेल है वो क्या है, ट्रिप्लोइड है। ठीक है, और ये क्या है अपनी
जो एक प्रेटिस की तरफ वो क्या हैप्लोइड। ठीक है, तो क्या हो गई, ये तो एंटीपोडल वाली तरफ क्या थी, ट्रिप्लोइड, और माइक्रोपाइल भाग की तरफ वाली जो सेल या एक प्रेटिस की जो सेल है वो क्या थी अपनी, हैप्लोइड। तो क्या बन गई, 3+1, इस प्रकार से क्या है अरेंज है, और किसका कर लिया है कि निर्माण कर लिया, फोर एन पोलर न्यूक्लियर का निर्माण कर लिया, और इस प्रकार अपना क्या बन गया है कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसके बाद है प्लम बेगला, इसी के अंदर क्या होगा, वही है मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, जिससे क्या होगा, चार न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, तीन सेल आपस में चलाजा वाले भाग की तरफ वो क्या है आपस में फ्यूज हो जाएगी, और किसका निर्माण कर लेगी, एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस का निर्माण कर लेगी, और एक क्या है अपना माइक्रोपाले भाग की तरफ क्या हैप्लोइड न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा तो दो न्यूक्लियस किसकी तरफ हो जाएंगे, माइक्रोपाइल भाग की तरफ, और दो किसकी तरफ है, एंटीपोडल भाग की तरफ होंगे। अब क्या होगा, माइक्रोपाइल भाग वाला भाग की तरफ जो न्यूक्लियस है वो क्या है अपना हैप्लोइड है, और जो चलाजा वाला जो भाग है उसकी तरफ जो न्यूक्लियस है वो क्या है अपना ट्रिप्लोइड है। ये तो क्या है, एन है, और ये क्या है, 3N है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक तो एंटीपोडल सेल का निर्माण होगा, एक ही होगा, इसके अंदर सेल कितनी होगी, एक, और एक इसका निर्माण कर लेगा, एक सेल, और अपनी जो पोलर जो न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, 4N यानी टेट्रा प्लोइडी कंडीशन पाई जाएगी। तो ये क्या, अपन जो टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट है उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं लास्ट के अंदर, तो जिससे हमें पूरा ओवरव्यू है उसके बारे में अपन को पता चल जाए। ठीक है, तो यानी जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या होगा, मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, तीन प्रकार का होगा। ठीक है, मोनोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक के अंदर एम्ब्रियो सेक का निर्माण किससे होगा, एक स्पोर के द्वारा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दो प्रकार का, पॉलीगोनम और एंथेरा, दो प्रकार का होगा, और इसके बाद क्या है, बायस्पोरिक है, बायस्पोरिक भी क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, बायस्पोरिक के अंदर मेगास्पोर डायड से किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा, ये भी क्या है, दो प्रकार का, एलियम और एंडाइमियन। ठीक है, और इसके बाद है टेट्रास्पोरिक, इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो चारों न्यूक्लियाई है वो किसके अंदर भाग लेंगे, एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में भाग लेंगे। ये क्या होगा, दो प्रकार का होता है, एक तो नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नॉन न्यूक्लियर है वो क्या होगा, पांच प्रकार का होगा, एडोक्सा, दो नंबर है पीनिया, तीन नंबर है प्लम्बेगो, चार नंबर है प्रोमिया और पांच नंबर है ड्रूसा। ठीक है, और इसके बाद है न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, इसके अंदर न्यूक्लियस आपस में किसका निर्माण करेंगे, फ्यूजन का, फ्यूजन कर किसका निर्माण के लिए, जैसे 3N चला जा बाकी, और किसका निर्माण होगा, ट्रिप्लोइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी आपस में न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक तो फर्टिलेरिया होगा, एक क्या होगा, प्लम बेगेला। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा अपना एक फ्लो चार्ट होगा, जिससे आपको समझने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको